ही बात मैं बताना चाहता हूं, जो आप इस बात को कहे हो कि एक सीट हमको चाहिए, अरे मैं कह रहा हूं वो बात पैदा कर दो कि झारखंड की सारी सीटें आपकी हो जाए, वो बात पैदा कर दो कि कैसी सीटें आपकी हो जाए, कैसे तय होगा। ये बात राजा सुरेंद्र राजभर जी के युद्ध से समझने की आवश्यकता है। राजा सुरेंद्र राजभर जी ने अपने संदेश वाहक के माध्यम से संदेश भेजा, छोटे छोटे जो कबीले राजा थे, अलग अलग राज्य के राजा थे, उनको संदेश भेजा कि सैयद सयान मसूद गाजी हमारे सीमा पर आकर के खड़ा हुआ है और युद्ध के लिए ललकार रहा है। अब तक जितना युद्ध उसने किया है, उस युद्ध में उसकी सेना जितनी रहती थी, मैं ये बात बताना नहीं चाहता, लेकिन मैं बस थोड़े से शब्दों में बात जरूर बताऊंगा। राज्य को वो व्यक्ति जीतता था, विदेशी आक्रांता उस राज्य की महिलाओं को नंगा करके घुमाने का काम करता था, उसके साथ रेप करता था, उसके छोटे छोटे बच्चों का गर्दन काट देता था कि ये लोग जब आगे नहीं बढ़ेंगे, इनका वंश आगे नहीं बढ़ पाएगा तो विलुप्त हो जाएंगे और एक दौर ऐसा आएगा कि भारत हम कब्जा काम कर लेंगे। इस प्रकार से विदेशी आक्रांता की एक मानसिकता थी, इस मानसिकता को किसी ने तोड़ने का काम किया, उसके घमंड को किसी ने तोड़ने का काम किया, तो चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रपति राजभर महाराजा सुरेंद्र राजभर ने किया था। साथियों, मैं बहुत छोटे में आपको बताना चाहता हूं, 7,500 की सेना, राजा सुरेंद्र राजभर अपने संदेश वाहक के माध्यम से तमाम छोटे छोटे राजाओं को संदेश भिजवाते हैं कि आप हमारा साथ दीजिए, इस विदेशी आक्रांता को परास्त करना नितांत आवश्यक है, अगर इसको परास्त नहीं किया गया, बहराइच के रास्ते से अगर नेपाल चला गया और जैसे ही नेपाल पहुंचेगा पूरा देश हो जाएगा। राजा सुरेंद्र राजभर जिन पत्र के माध्यम से संदेश वाहक के माध्यम से संदेश भिजवा काम किए, तो जितने राजाओं के पास उनका संदेश गया, सारे राजा उनको वापस संदेश भेजे कि हम सबसे युद्ध लड़ सकते हैं, लेकिन मसूद गाजी से युद्ध लड़ने की क्षमता हमारे अंदर नहीं। राजा सुहेलदेव राजभर परेशान होने लगे, अब हम क्या कहें। सुहेलदेव जी ने कहा, कोई बात नहीं, पहले की सीमाओं के बगल बगल में जंगल हुआ करते थे, जंगल में तमाम प्रजाति के लोग रहते थे। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, जो छोटे छोटे कबीले टाइप के लोग घूमा करते थे, उन्होंने 22 कबीलों को बुलाया, उस कबीले के जो सरदार थे, 22 सरदार को बुलाया और उन्होंने कहा कि मसूद गाजी से युद्ध करने की क्षमता कोई राजा नहीं जुटा पा रहा है, मुझे देश की चिंता है और इस देश में रहने वाले माँ बहनों की चिंता है, इस देश में रहने वाले लोगों की चिंता है, कोई युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है, हम चाहते हैं कि आप हमारा साथ दीजिए। और जब 22 कबीले मिले तो 22 कबीलों के पास पता है कितनी सेना थी टोटल, 5,000 की, मात्र 5,000, 7,500 सेना राजा सुरेंद्र राजभर जी के पास और 5,000 सेना और 22 कबीलों के पास और 22 कबीलों के सेना को मिला करके 12,500 की सेना। अब आप कल्पना करिएगा, युद्ध के मैदान में, नामपरा के मैदान में युद्ध का समय आता है और नामपरा के मैदान में एक तरफ 2,50,000 की सेना और दूसरे तरफ 12,500 की सेना, और 12,500 की सेना 2,50,000 की सेना को देख करके हतोत्साहित हो रही थी। राजा सुरेंद्र राजभर जी ने कमान संभाला, उनका एक घोड़ा था, आप महाराणा प्रताप जी का नाम सुने होंगे, उनकी एक चौपाई है कि रणवीर चौकनी भर भर के चेतक बनाने वाला था। आप बात समझने का प्रयास करिएगा, राजा सुरेंद्र राजभर जिस घोड़े से चलते थे, इस देश का इतिहास है, राजा सुरेंद्र राजभर जी का इतिहास है, वो जिस घोड़े से चलते थे उस घोड़े को लगाम कभी लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी साथियों, जो राजा सुरेंद्र राजभर जी का जो घोड़ा था साथियों। आपको बताना चाहेंगे, राजा सुरेंद्र राजभर एक हाथ में 80 किलो की तलवार लेके चलते थे और दूसरे हाथ में भाला लेके चलते थे, उनके पास 10 हाथ नहीं था साथियों। राजा सुरेंद्र राजभर जी का जो घोड़ा था, वो घोड़ा सुहेलदेव राजभर के हृदय और मन से चलता था साथियों, वो जो सोच लेते थे घोड़ा वही रूप पकड़ लेता था, उसी वेग से चल लेता था, जिधर सोच लेते थे घोड़ा उधर चलने का काम करता था साथियों। युद्ध के मैदान में दो सेना आमने सामने खड़ी, राजा सुहेलदेव राजभर जी ने सबको सौगंध लाया कि तुमको भारत माता की कसम, अपने माँ की कसम है, अगर इस मैदान से खाली हाथ भाग गए तो भगोड़े कहे जाओगे, जो देश पर काबिज होना चाहता है, जो देश की संस्कृति सभ्यता को समाप्त करना चाहता है, जो देश की महिलाओं के साथ रेप करता है, हमारे देश की महिलाएं
किया है। 12,500 सेना के अंदर माँ चंडी का रूप आता है और कहते हैं कि यह युद्ध आज के आने वाले समय में जो युद्ध होगा, ऐसा युद्ध न कभी होगा न कभी हो पाएगा। राजा उतारने का काम करते हैं और राजा सुहेलदेव राज की सेना 2,50,000 की सेना के ऊपर टूट पड़ती है साथियों, और 22 दिन का महासंग्राम चलता है। 22 दिन संग्राम चलता है महाभारत के युद्ध। 18 दिन महाभारत से भी बड़ा महायुद्ध अगर किसी ने इस धरती पर लड़ने का काम किया है तो चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रपति राजभर महाराजा सुहेलदेव साथियों, रजवार राजवंशी राजभर समाज के लोगों ने लड़ने का कार्य किया है, लेकिन इतिहासकारों ने आपके इतिहास को समाप्त कर दिया। उन्होंने इस बात की चर्चा नहीं किया, उनको पता था लोग पूछती है ये हम रहते हैं, इस बात की भी जानकारी आपको होनी चाहिए। इस भारत का नाम भी अगर पड़ा है साथियों तो भर राजाओं के नाम पर पड़ा है, राजभरों के नाम पर भारत का नाम पड़ा है, ये इतिहास कोई नहीं बताता है। आज राजा सुहेलदेव राजभर जी जब युद्ध के मैदान में जाते हैं, लगातार 7 दिन का युद्ध होता है, विदेशी आक्रांता का सारा चाल जो उसके सारे युद्ध की नीति थी सारे ध्वस्त होते चले जाते हैं। हमारे ही बीच के रहने वाले कुछ गद्दार टाइप के लोग थे, उन गद्दारों ने कहा कि राजा ऐसे परास्त नहीं किया जा सकता है, जिस प्रकार से रावण की मृत्यु नहीं होती अगर विभीषण नहीं बताता भगवान राम को कि मारो रावण के नाभि में अब यह लूट जाएगा, उसी प्रकार से साथियों अपने भी देश के कुछ गद्दार लोग थे, उन गद्दारों ने विदेशी आक्रांताओं से ताल्लुकात जमाया और जमा करके संदेश देने का कार्य किया कि ये तभी मारे जाएंगे, राजभर सुहेलदेव सेना राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर की सेना तभी परास्त होगी जब इनके सामने गाय की सेना आप खड़ा कर देंगे। गाय की सेना खड़ा कर दोगे, विदेशी आक्रांता ने आदेश जारी किया, जितनी गाय थी सब लेकर के युद्ध के मैदान में आ गया, और युद्ध के मैदान में आने के बाद गुप्तचरों के माध्यम से संदेश मिलता है राजा सुहेलदेव राजभर जी को कि ये तो गाय सामने ला करके खड़ा कर दिया है, और राजा सुहेलदेव राजभर विवश हो जाते हैं और कहते हैं कि गाय से हम कभी युद्ध नहीं कर सकते क्योंकि गाय को हम लोग अपनी माता का रूप दिए हैं, इसलिए गाय पर कभी हम तीर नहीं चला सकते। आज हिंदू धर्म का मानक है गाय की लोग पूजा करते हैं, ये कहां से आया भाई, ये उसी समय आया था राजा सुहेलदेव राजभर जी ने युद्ध के मैदान में योजना बनाया। 7वें दिन राजा सुहेलदेव राजभर युद्ध हार जाते हैं लेकिन उसके बाद भी नहीं मानते हैं, और 8वें दिन योजना बना करके 8वें दिन में जब गाय की सेना सामने खड़ी रहती है तो राजा सुहेलदेव राजभर सोचने लगते हैं कि आज इसको कैसे परास्त किया जाएगा। राजा सुहेलदेव राजभर जी की सेना में कबीले जो लोग थे उन कबीलों का एक सरदार था, उस सरदार ने कहा कि महाराज इसको इस बार ऐसे परास्त किया जा सकता है, अगर आप गाय पर तीर नहीं चला सकते हैं तो सिर्फ एक छोटा सा काम करने की आवश्यकता है, हम जंगल से सूअर को बटोरते हैं, सूअर को इकट्ठा करते हैं और युद्ध के मैदान में सूअर को अपनी सेना के पीछे खड़ा करेंगे, और जैसे ही उधर से गाय की सेना आएगी उसी गाय के पीछे छुप करके उधर से सेना आएगी, हम इधर से सूअर छोड़ने का कार्य करेंगे, जब सूअर आवाज लगाते हुए विदेशी आक्रांता के तरफ चलेंगे तो गाय तितर बितर हो जाएगा और गाय के पीछे छुपे हुए जो सेना है विदेशी आक्रांता के, आप शब्द बेदी बाण का ज्ञान लीजिएगा और शब्द बेदी बाण चला करके आप तीर चलाइएगा और उसके बाद सारी की सारी सेना परास्त हो जाएगी। और साथियों 8वें दिन यही होता है, राजा सुहेलदेव राजभर की सेना के पीछे सूअर की झुंड खड़ी थी, जैसे युद्ध का ललकार हुआ विदेशी आक्रांता विदेशी सेना जो विदेशों से आकर के यहाँ पर तमाम तांडव मचा रहे थे, जब ये लोग गाय के पीछे तीर कमान भाला तलवार लेकर के चले, इधर से सूअर की सेना चली उधर से गाय के पीछे वो सेना, जैसे ही सूअर को देखा गाय ने वो उसकी आवाज सुनकर के तितर बितर हो गए, और उसके बाद उसी कबीले के सरदार बोलता है कि महाराज अब वक्त आ गया है, और राजा सुहेलदेव राजभर कल्पना करते हैं, राजा सुहेलदेव राजभर मंत्र का उच्चारण करते हैं और शब्द बेदी बाण चलाते हैं। साथियों उस दिन का 8वें दिन का युद्ध सिर्फ राजा सुहेलदेव राजभर जी के एक तीर ने समाप्त करने का कार्य 8वें दिन का।
आप जरा कल्पना करिए वो 22 दिन का युद्ध कैसे कैसे बीता। सारे 22वें दिन विदेशी आक्रांता के पीछे कोई सेना नहीं, सारे 12,000 की सेना माँ चंडी का रूप पकड़ करके उसको काल के मोह में ढकेल दिया गया। एक तरफ राजा सुहेलदेव राजभर 80 किलो की तलवार लेकर के एक साथ जब तलवार चलाते थे तो 100-100 गर्दन कट जाते थे, एक हाथ में भाला लेकर के जब एक बार भाला मारते थे तो 200 लोग भाला में आ जाते थे। इतने प्रतापी राजा सुहेलदेव राजभर 22 दिन के युद्ध के बाद 22वें दिन जब विदेशी आक्रांता के सामने कोई नहीं बचा, उसके साथ कोई सेना नहीं बची, तो भागने लगा और नानपारा के मैदान से भागते भागते साथियों कुटला नदी आकर के रुका। और कुटला नदी में गुफा था, वो अपने घोड़ा को छोड़ दिया और घोड़ा को छोड़ करके उसी गुफा में छुप गया। राजा सुहेलदेव नानपारा के मैदान से उसको दौड़ाए अपने घोड़ा से और घोड़े को कहे कि तुम याद करते रहो कि किधर जा रहा है। और घूमते घूमते दौड़ाते कुटला नदी के किनारे आए तो देखे कि जहां तक वो घोड़ा पहुंचा हुआ था वहां जाने के बाद उसके बाद किसी प्रकार निशान नहीं था। राजा सुहेलदेव राजभर परेशान होने लगे कि आखिर विदेशी आक्रांता गाजी गया कहां। राजा सुहेलदेव राजभर खड़ा होकर सोच रहे थे, तब तक उनकी निगाह पड़ती है एक डाली पर। उस डाली पर देखते हैं कि गिरगिट बैठा रहता है, गिरगिट बार बार अपना गर्दन ऊपर नीचे करता है। तब तक संदेश जाता है, घोड़ा देखता है, गिरगिट को देखता है, घोड़ा अपना पैर उठा के उसी जमीन पर धमाक मारता है। राजा सुहेलदेव राजभर जी समझ जाते हैं ये गिरगिट जो कह रहा है कि विदेशी आक्रांता जिसने इस देश की संस्कृति सभ्यता को बर्बाद किया है वो बेईमान इसी गुफा के अंदर है। राजा सुहेलदेव राजभर कदम आगे बढ़ाते हैं कि देखते हैं कि उस गुफा के दरवाजे पर मकड़ी ने जाला लगा रखा था। अमूमन होता ऐसा है कोई घर अगर मकड़ी उस दरवाजे पर झाला लगा लेती है और मानक एक तैयार हो जाता है कि घर में कोई रहता होता नहीं। राजा सुहेलदेव राजभर खड़ी हुई देखे कि इस गुफा के तो मुख्य दरवाजे पर कोई तो झाला लगा हुआ है, इसमें तो कोई व्यक्ति गया ही नहीं है। अब उसके बाद फिर दो कदम पीछे होकर के सोचने लगते हैं और स्मरण करते हैं कि अब मैं क्या करूं। तब तक फिर इनका ध्यान जाता है गिरगिट पर और गिरगिट फिर अपना गर्दन ऊपर नीचे करता है। राजा सुहेलदेव राजभर जी का घोड़ा फिर धमाक मारता है, फिर से सुहेलदेव जी समझ जाते हैं कि गद्दार इसी के अंदर छुपा हुआ है। और राजा सुहेलदेव राजभर जी फिर वो एक बार सप्तपदी बाण का ज्ञान लेते हैं और सप्तपदी बाण का स्मरण करते हैं और हवा को मानक मान करके इस गुफा के अंदर चाहे जीव हो चाहे जंतु हो चाहे मनुष्य हो चाहे जो भी हो उसको लेकर के बाहर हमारा बाण आएगा। साथियों राजा सुहेलदेव बाण पुनः एक बार स्मरण करते हैं और जाते हैं वो तीन और जा करके उसके सिर पर लगता है। की तलवार से बीचों बीच चीरने का काम करते हैं और एक को ही अग्नि कुंड में फेंकते हैं और दूसरे को उठा के कुटला नदी में फेंकने का कार्य करते हैं और घोषणा करते हैं कि अब दोबारा इस भारत देश पर कोई विदेशी आक्रांता आंख उठा के नहीं देखने वाला है। साथी उस युद्ध के बाद लगभग 150 साल तक भारत देश पर कोई आक्रमण नहीं कर पाया। जिसने भी प्रयास किया जैसे ही भारत की सीमा में आता था उसको यह पता चल जाता था कि भारत के अंदर एक लड़ाकू जाति रहती है राजभर, इस भारत के अंदर एक राजा रहता है महाराजा सुहेलदेव राजभर। अगर इस भारत के तरफ आंख उठा के देखो देखोगे तो तुम्हारी आंखें निकाल ली जाएंगी और तुम्हारे आंखों से इस भारत देश के बच्चे गोटियां खेलने का कार्य करेंगे। इतना बड़ा साथियों प्रतापी राजा सुहेलदेव राजभर देखे आपके इसी प्रताप की वजह से आपको इतिहास से दिया गया। जब देश आजाद हुआ संविधान लिखा गया तो जानते हैं संविधान में आपको क्या स्थान दिया गया। राजभर रजवार राजवंशी राजधोब को संविधान में स्थान जानते हैं क्या दिया गया? क्रिमिनल ऑफ कास्ट जन्म जात अपराधी। मतलब कि माई के पेट से लड़का पैदा भयल भारतीय संविधान कह देता था कि अपराधी हो गया है। इसीलिए हम लोगों ने कहा
जब पार्टी बनाए तो हम लोग भाषण में अपने कहते थे अगर भारतीय संविधान हमको क्रिमिनल अवकाश जनजात अपराधी घोषित कर दी है तो मुझे अपराध करने का लाइसेंस दे दिया जाए, हमें अपराध करने का लाइसेंस दे दिया जाए, हमें हत्या करने का लाइसेंस दे दिया जाए, हमें डीएम कार्यालय को लाइसेंस दे दिया जाए, हमें पुलिस थाने को लूटने का लाइसेंस दे दिया जाए। जब हम लोगों ने योजना बनाया, लोगों को जागरूक किया तो सरकार ने अपना फैसला बदला और संविधान में संशोधन करके हमको पिछड़ी जाति में रखने का कार्य किया। उत्तर प्रदेश में की जाति पिछड़ी जाति का दर्जा प्राप्त है, इसको भी सामाजिक शैक्षणिक आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। साथियों, इतिहास बहुत बड़ा है, मैं अगर इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं है, मैं राजा सोहेलदेव राजभर जी का पूरा इतिहास पढ़ा हूं, ये तो उनका एक छोटा सा चैप्टर रहा है, मैं बहुत थोड़ी थोड़ी बात आपको बता के उसको खत्म किया, लेकिन कभी अवसर मिलेगा तो मैं पूरा इतिहास बताऊंगा और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि 3 घंटे में पूरा इतिहास बता करके और आपको बताने का प्रयास करूंगा कि अपने हिस्से को मान मत करो बल्कि एकता बनाकर उसको लूटने का काम करो, लूटने का काम करो, अपनी व्यवस्था बनाने का काम करो, ये दूसरे लोग देने वाले नहीं। इसीलिए साथियों मेरा आपसे आग्रह है, 14 तारीख को बसंत पंचमी है तो बसंत पंचमी के दिन सरस्वती जी की पूजा होती है, पूजा होती है ना सरस्वती जी की, कितने लोग जानते हैं जरा हाथ उठा के बताइए, पूजा करते हैं आप लोग ना। राजवंशी राजभर समाज के भाइयों, 14 तारीख के राजा सोहेलदेव राजभर जी का भी जयंती है, तो ये बताइए कि राजा सोहेलदेव राजभर जी की जयंती इस झारखंड में मनना चाहिए कि नहीं मनना चाहिए, मनना चाहिए कि नहीं मनना चाहिए। 14 तारीख को कितने लोग राजा सोहेलदेव राजभर जी की जयंती मनाएंगे जरा हाथ जोड़ के बताइए। ये अपना इतिहास है और अपने इतिहास को अगर हम नहीं स्वीकारता प्रदान करेंगे तो कोई विदेशी आने वाला नहीं है कुआ के आपको कहे कि भैया आपका इतिहास है आप इसको लेने का। तो रात को कोई नहीं पूछेगा लेकिन सुबह आपके गांव के लोग आपसे पूछेंगे कि बताओ दीपावली तो आज नहीं था, नहीं कोई ऐसा प्रोग्राम था, फिर हर राजवाड़ राजवंशी राजघर के दरवाजे पर ये दिया क्यों जल रहा था, तो उसको बताना कि आज के दिन हमारे राजा हमारे गुरु हमारे राजा सोहेलदेव राजभर जी का जन्म हुआ था, इसलिए दीप जला करके उनका स्वागत कर रहे हैं कि राजा राजभर जी का जन्म हुआ था। तो बताइए दिया जलाएंगे कि नहीं जलाएंगे, जोर से बोलिए जलाएंगे कि नहीं जलाएंगे। जहां जहां हित नाथ रिश्तेदार अपन हुए राहुल लोगों को फोन करके बता देने के बाद कि बसंत पंचमी के दिन राजा सोहेलदेव राजभर जी का पूजा करे के बाद आपने दरवाजे पर दिया जला करके बतावे की आवश्यकता बा कि हमने केहू के पीछे भागे वाला नहीं थी, अब हम लोग अपनी पार्टी का साथ देंगे, अपने नेता का साथ देंगे और वो गौर पैदा कर देंगे कि झारखंड में हमारा सांसद कैसे रजवार राजवंशी जीत करके जाएगा, इसके निर्णय का कार्य। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का आग्रह था कि आप बड़े बड़े नेताओं के साथ आप बैठते हैं, स्वाभाविक है, फेसबुक के माध्यम से जो लोग जुड़े होंगे हमसे वो देख रहे होंगे कि कभी अमित शाह जी के साथ तो कभी जेपी नड्डा जी के साथ तो कभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के साथ, आपकी बात सही है, मिलते और अभी विगत समय में हम लोग मिले थे अमित शाह जी से, जब मिले तो उनसे यही चर्चा किया गया था कि सर ये बिहार में जातिगत जनगणना हुआ जिसकी संख्या अपार है उसको कह दिया गया माननीय तेजस्वी यादव जी बगल की बिहार के जो अभी उप मुख्यमंत्री थे, प्रश्न किया तो कहें कि कहां बिहार में रजवार की संख्या कितना है, इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी बोला करते थे कहां राजभर लोग हैं उत्तर प्रदेश में, जब चापे हम लोग अखिलेश यादव जी को पहुंचा दिए 45 पर तब उनको समझ में आ गया कि नहीं उत्तर प्रदेश में बहुत राजभर समाज के लोग रहते हैं, उसी प्रकार से बिहार में अभी जब चापे हुए हैं हम लोग अभी सीमा में थे, अब पता नहीं हमें जुबान से कहां निकल गया, हम भाषण देते थे बोल दिए कि 1 हफ्ता नहीं लगेगा और बिहार में सरकार बदलेगी और बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी और तब तक ईश्वर की कृपा और याद करके जा रहा है लाख प्रयास को
ज्वाइन कर ले, आने वाले समय में वो चाहे 15 दिन लग जाए, 1 महीना लग जाए, एनडीए की ही सरकार बनेगी। आज इस मंच के जा रहा है, देखिएगा इसको, सारी योजनाएं तैयार है कैसे यहाँ सरकार बनेगी, और उसके बाद हम लोग अपना काम चालू करेंगे। और इस बार प्रयासरत हम लोग हैं, अभी बिहार के कार्यक्रम में हमारे अध्यक्ष जी ने भी वहाँ मंच के माध्यम से कहा था कि हमें यहाँ की लोकसभा सीट चाहिए पलामू वाली, यह हमें चाहिए। तो देखो मंगले से मिलने वाला नहीं खेल, मांगने से मिलने वाला नहीं है, अभी और ताकत लगाने की आवश्यकता है। जब मैं यहाँ झारखंड में प्रवेश किया तो हमारे मुखिया जी हमसे मिले, माला पहनाए, जब इन्होंने बताया कि हम मुखिया हैं, तो पहले हम कंफ्यूज हो गए मुखिया कौन होता है, फिर हमको ध्यान आया कि अच्छा प्रधान जी को मुखिया कहा जाता है। तो जब उनको हमको क्या नाम बजाया, कोई नाम बताए तो हमको चलो सेल बहुत सही, 11 मुखिया तो आज के लोग हो गए हैं ना, तो शुरुआत अच्छी हो गई है। 11 मुखिया अगर अजवार समाज से है तो मैं ये जरूर कहकर जाऊंगा यहाँ भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में लोकसभा की सीट टिकट भी लूंगा और आने वाले विधानसभा में भी टिकट लेकर के आपको ढूंढूंगा। बातचीत चल रही है हम लोगों की, बिहार में एक सीट है, झारखंड में एक सीट, बातचीत उस पर चल रही है, लगातार वार्ता हो रहा है। जैसे ही पार्लियामेंट बीतेगा, जैसे ही विधानसभा बीतेगा, दिल्ली का सदन खत्म होगा, उसके बाद हम लोगों की बैठक होगी और माननीय अमित शाह जी के साथ बैठक करके तय किया जाएगा कि सर नहीं मेरे पार्टी से तो अपने ही पार्टी से हमारे एक रजवार समाज को टिकट देने का कार्य करिए, इसकी सफलता बनेगा। बताओ सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा, कितने लोगों को सही रहेगा, जरा हाथ उठाइए, सही रहेगा ना। तो हम माननीय मोदी से कहे हैं कि यहाँ का पूरा डेटा उपलब्ध कराइए, 81 विधानसभा में अपनी जनसंख्या कितनी है, पलामू लोकसभा में अपनी जनसंख्या कितनी है, ये पूरा डेटा हमको उपलब्ध कराइए। और उसके बाद जिस दिन अमित शाह जी के साथ बैठक करें उस दिन ये कह दे कि सर आप खाली पलामू सीट पर हमारे रजवार भाई को टिकट दे दीजिए, दे करके भूल जाइएगा, रजवार जीता करके सदन में घूमने का कार्य करेगा। बताइए सही की गलत, तो सही का साथ देंगे कि गलत का साथ देंगे, दारू मुर्गा पैसा पे नहीं देंगे, दारू मुर्गा पैसा की ही देन रही कि आज तक एक भी विधायक रजवार राजवंशी राजभर आपके झारखंड में नहीं हो पाया, कि हो पाया नहीं हो पाया, जनसंख्या इतनी है लेकिन राजनीतिक स्तर से हम बहुत पीछे हैं, सामाजिक स्तर पर हम बहुत पीछे हैं। इसलिए मेरा आपसे आग्रह होगा, आपस में एकता बना के रखिएगा। माननीय नेता श्री ओमप्रकाश राजभर जी आपकी चिंता करते हैं, और आपकी अगर चिंता करते हैं तो आपका सर्वांगीण विकास कैसे होगा, और झारखंड में हर क्षेत्र में आपका बेटा कैसे जाएगा, आपकी बेटी कैसे जाएगी, उसको कैसे मिलेगा, आपका बेटा सड़न में कैसे जाएगा, आपको व्यवस्था कैसे मिलेगा, सरकारी सुविधाएं कैसे प्राप्त होंगी, आपका जमीन कैसे आपको प्राप्त होगा, इन सारी चीजों के बारे में वो चिंता करता है। तो स्वयं भारतीय समाज पार्टी और ओम प्रकाश राजभर साथियों आपसे आग्रह करूंगा कि आपसी एकता बना के रखिए, और नौजवान साथियों आपसे मेरा आग्रह होगा मित्रों, अगर आप लोग इस बार चूक गए भाई, अगर आप लोग इस बार चूक गए मेरे मित्र, इस झंडे के नीचे प्रकाश राजभर नहीं, एक अरविंद राजभर नहीं, आने वाले 100 ओम प्रकाश राजभर अरविंद राजभर पैदा हो जाएंगे, तब भी आप इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम आपसे आग्रह करते हैं, अपने संगठन को मजबूत करिए, अपनी एकता को मजबूत करिए, जब आपका संगठन मजबूत होगा, जब आपकी एकता मजबूत होगी, जब आपका व्यक्ति राजनीति में सहभागी बनेगा, जब आपका बेटा आपका साथी विधायक बनेगा, आपका भाई जिला पंचायत और मुखिया बनेगा, तब जाकर के थाने पर आपका बेटा दरोगा बनकर के आएगा साथियों, बिना राजनीति में घुसे न तो आपके बेटा को नौकरी मिलने वाली है न तो नौकरी मिलने वाली है। बताइए सही कह रहे हो कि गलत कह रहे हो, जोर से बोलो सही की गलत। जब भी सूचना मिल जाए कि हम लोग आ रहे हैं यहां, जब हम लोग आते हैं पूरा देश देख रहा है, पूरा देश हम लोग को देख रहा है, 4.5 करोड़ फॉलोअर हैं हमारे फेसबुक पेज के, 4.5 करोड़ लोग देख रहे हैं, और सिर्फ उत्तर प्रदेश से नहीं है,
ये पाकिस्तान से भी है, अफगानिस्तान से भी है, दुबई से भी है, अमेरिका से भी है, इंग्लैंड से भी है, महाराष्ट्र से भी है, दिल्ली से भी है, महाराष्ट्र आपके झारखंड से भी है, मतलब कि देश और विदेश से भी लोग कि हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। जो आपका भाई पंजाब में होगा वो भी आशीर्वाद दे रहा होगा, या हमारे झारखंड में गए हुए हैं, जरूर झुमरा परिवर्तन होगा और सबकी सहभागिता होगी, फिर हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगा पंजाब और जाकर के गुजरात का। हम महाराष्ट्र में ही काम करेंगे, हम यहाँ पर काम करेंगे, झारखंड में काम करेंगे, रोजी रोजगार पाएंगे। इसलिए हमारा आग्रह होगा कि आने वाले समयों में जब भी कोई कार्यक्रम हो तो आप लोग चढ़ भर के हिस्सा लीजिए उसमें, दूसरों से नकल मारिए। देखिए दूसरे लोग जो आगे बढ़ गए, आपको आपके सर पे पैर रख करके लोग राजनीति करके आगे बढ़ गए, जिनको बोलने का ढंग नहीं था, जिनके पास कोई जमात नहीं थी, जिनके पास कोई वोट का पावर नहीं था, जिनके पास वोट का परसेंटेज में नहीं था, वो अपनी सरकार चला रहे हैं, जिनके पास 7%, 3%, 4% वोट है वो सरकार बना लिए, और जिसके पास तमाम है वो अभी दगर की ठोकर खा रहा है, तो टिकट के लिए परेशान हो गया। बताइए सही कह रहा हूं? इसलिए ये सारी चीजें तभी संभव होंगी जब थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान देंगे। हम लोग तो उत्तर प्रदेश में योजना बना लिए हैं, उत्तर प्रदेश में 21 साल के संघर्ष के बाद अब उत्तर प्रदेश का गरीब जो उत्तर प्रदेश में है, जिनकी सूचना हमारे तक आ जाती है, इलाज के लिए किसी को कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं होती है, इलाज के लिए किसी को अपनी जमीन बेचने की आवश्यकता नहीं होती है, वो योजना यहाँ भी है, भारत सरकार और भारत सरकार की योजना है। अगर किसी व्यक्ति की तबीयत खराब हो जाती है तो विधायक है उस माननीय विधायक जी के माध्यम से उस गरीब परिवार को 500 रुपया से लेकर के 25 लाख रुपया दिया जा सकता है इलाज के लिए, 25 लाख रुपए तक। लेकिन वो देने का काम नहीं करते हैं, ये जो सरकारी पैसा है उनके खाते में पड़ा रहता है, जब चुनाव आ जाता है उसी पैसे को निकालते हैं, उसी पैसे से चुनाव लड़ते हैं, जब चुनाव लड़ते हैं जब पैसा रुपया बांटते हैं तो आप अभी लोग कहते हैं कि बड़ा मजबूत प्रत्याशी है, वो तो 500 रुपया दे रहा था, ये तो 2000 दे रहा है, चलिए इसी को वोट दे दिया जाए, बाकी अब लोग का देखना। हमें इससे ऊपर उठना होगा। अगर पैसा लेके वोट देंगे, दारू पी करके वोट देंगे, मुर्गा मीट खाकर किसी और लोगों में जाकर के वोट देंगे तो आज नहीं वाले 70 साल तक भी आपको सीट मिलने वाला नहीं है। इसलिए जब तक हम अपनी एकता का परिचय नहीं कराएंगे, अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करेंगे, अपनी ताकत का एहसास नहीं कराएंगे पार्टियों को, तब तक वो आपके हिस्से देने वाले नहीं। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? ये चीजें तभी संभव है जब हम जागरूक रहेंगे, और जागरूकता तब आएगी जब हम पढ़ाई लिखाई करेंगे, शिक्षित रहेंगे, और शिक्षा जब आ जाएगी तो जब ऐसे कार्यक्रम का आयोजन होगा, जब ऐसे कार्यक्रमों में आकर के जब देखी लिखी लाखों की संख्या में हम लोग जुटे हुए हैं तो आपका मनोबल बढ़ेगा और देश और प्रदेश की सरकार का ध्यान भी आपके तरफ आएगा। जब ध्यान आएगा तो सरकारी व्यवस्थाएं भी आपको मिलना चालू हो जाएगा, धीरे धीरे विकास के आगे काम भी चालू हो जाएगा। बात समझ में आवत है कि ना? बोला जोर से, समझ में आया था ना? कितना लोगों के बात समझ में आवत है? कैसे हाथ उठाया? दोनों हाथ उठा बताओ, समझ में आवत है ना? तो ये बतिया गाँव में जाके बताइएगा कि ना बताइएगा? बताए गाँव में जाकर के लोगों को बताइए कि आधी रोटी कम खाइए, लेकिन लड़का लड़की को जरूर पढ़ाइए, जब वो पढ़ेगा तभी आगे बढ़ेगा, जब वो आगे बढ़ेगा तो हमारा भी सीना चौड़ा होगा और हम देश की सरकार से लड़ करके आपको व्यवस्था भी दिलाने का काम करेंगे साथियों, जिससे कि आप गरीबी के आलम से आगे बढ़ सके। बताइए सही कि गलत? तो साथ देंगे कि नहीं देंगे? कितने लोग साथ देंगे? जरा हाथ उठाइए, हाथ नीचे करिए। संगठन मजबूत करेंगे कि नहीं करेंगे? कितने लोग संगठन मजबूत करेंगे? जरा हाथ उठाइए, फिर हाथ नीचे करिए। जानते हाथ आ रहे हैं, मोबाइलिया में वीडियो चल रहा था, कोई ना कह दे कि अरविंद राजभर उत्तर प्रदेश से लाद के लेके आए हैं लोगों को, इलाहाबाद यहाँ उत्तर प्रदेश से कोई ना आएगा? बोला कोई ना आएगा उत्तर प्रदेश से? कोई ना आएगा उत्तर प्रदेश से? उत्तर प्रदेश से खाली हम आएगा और हमारी सुरक्षा आएगा। यहाँ
यहाँ का हम क्या बताएं, कौन बात ना। यहाँ जब से हम झारखंड में प्रवेश किए हैं, यहाँ के प्रशासन के पैर फूलने लगे हैं कि ये तो नया काम चालू हो गया है। एक बार नहीं, जब तब आए तब तक आते तक आप आपके भाई को विधान देते हैं, तब तक आते तो बताइए सांप देंगे कि नहीं देंगे। अपनी अपनी लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। और नौजवान साथियों, गुलाम था तो बहुत सारे लोग अंग्रेजों से लड़ने का काम पेपर के माध्यम से किया करते थे, कागज से। लेकिन 1885 में एलन एक्टोरियल ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना किया और उसने कहा कि यार कागज कलम से आजादी मिलने वाला नहीं खड़े, आजादी मिलेगा तब जब आप युद्ध करोगे। लोगों ने युद्ध किया, तमाम आंदोलन किया, तमाम तरह की लड़ाई लड़ी, तमाम लोग फांसी पर लटक गए, तमाम लोगों को सीने पर गोली लिया, तमाम लोगों को काला पानी की सजा हो गई, तब जाकर के देश आजाद हुआ और इस आजादी के जश्न में हम लोग भी अपना काम करने का कार्य कर रहे हैं। इसलिए साथियों, मैं आग्रह करेंगे नौजवान साथियों से, अगर चाहते हो इस सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, आर्थिक जो गुलामी है लोग कराने का प्रयास कर रहे हैं, अगर अशिक्षा से अशिक्षा पर जीत हासिल करना चाहते हैं तो शिक्षित बनना पड़ेगा, और गरीबी खत्म करना चाहते हैं तो शिक्षित होकर के जागरूक होना पड़ेगा। और चाहते हैं कि यहाँ के विधानसभा में आपका भी बेटा जीत करके जाए, चाहते हैं कि लोकसभा में आपके बेटे को टिकट मिले, तो जागरूक होकर के लड़ाई लड़ना पड़ेगा और एकता बना करके लड़ाई लड़ करके आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी विकास संभव है, अन्यथा भाषण देने से विकास होने वाला नहीं। सही की गलत, तो जी जहां बाब जी जहां बैठे हुए थे खड़ा हो जाए, जी जहां बैठे हुए खड़ा हो जाए। देखो अभी हम लखनऊ तक हम अपन समय निकल गए, जल्दी यहां से निकल गया, बैठे हुए खड़ा हो जाए। अंतिम बात कहते हुए, आज के बाद नमस्ते और प्रणाम बंद हो जाए के चाहिए, बतावा हो कि ना हो। अब का कहा को है, जोर से होगा और जोर से, खाली मंच से आवाज आ रहा था, इधर से रजिए नहीं किया आवाज, क्या कहो कह रही है, जोर से होगा, क्या कहो कह रही है। इधर के लोग मां, मैं इधर के लोग बोला था यार, खाना तो सवेरे से हम ना खेले ही जाए, लेकिन दो घंटा हो गए बोले, तो ही बतावा नमस्ते प्रणाम के जगह का बोले के बाद हमारे साथ नारा लगाने के बाद पहले हम बोले फिर आप बोले, हम देखिए किकरे में कितना दम बा। ठीक है, जय स्वामी। इतना पेड़ तो बनारस में मुर्दा बोलता है, मुर्दा बोलता है, मुर्दा, और हम लोग मुर्दा नहीं है, हम लोग जिंदा हैं, और ऐसे कौन से हम लोग हैं जिसका इतिहास बहुत पुराना है। ये राजवार, रजवंशी, राजभोग, राजभव, पतभव, भरपतवा, ये सारे लोग क्रांतिकारी लोग हैं, और इसीलिए ये झुकते नहीं हैं। जैसे जब हम लोग सरकार में मंत्री थे तो ही सरकार लपट गई कि ये लोग किसी प्रकार से मान जाए, हम लोग भी कहे कि मानने वाले में से हम लोग नहीं है, हम लोग मंत्री पद से इस्तीफा देना स्वीकार है, लेकिन तुम्हारे सामने गर्दन झुकाने वाले हम लोग नहीं। और साथियों, इस्तीफा दे दिया, पूरी सरकार हो गई कि यहाँ लोग मुखिया बनने परेशान रहते हैं, और ये कैसा नेता है कि एक झटके में मारा 8 मंत्री इस्तीफा दे दिए, ये कैसा नेता है, और उसको विवश कर दिया, हमने विवश कर दिया आपके उत्तर प्रदेश में, विवश कर दिया बना करके, विवश कर दिया लोगों, और बता दिया एनडीए सरकार को कि उत्तर प्रदेश में बिना पीर का झंडा के हर दिल, इसलिए फिर हमको एनडीए में शामिल किया गया। और उसके बाद अगली बार जब आपके जनपद में आएंगे तो देखते हैं कैसे झारखंड की पुलिस सुरक्षा नहीं देती है, देखते हैं कैसे प्रोटोकॉल नहीं देता है। अब अगली बार आपके बीच में आएंगे तो बकायदे मंत्री बन के आया जाएगा, और मंत्री बन के आएंगे तो सरकार में भी शामिल रहेंगे और सरकार से बात करेंगे कि हमारे लोगों का कल्याण होना चाहिए, अन्यथा फिर आगे जब चुनाव आएगा
तो वही कहावत होगा कि बनत रहा तब बनत रहा, अब ना बने हमारे घर और रंग रहा चाहे खुशी रहा तू अपने घर हम अपने घर सही की गला सही। तो बताओ आपस में एकता बनेगी कि नहीं सही हो। 14 तारीख के राजा स्वयं रात जी की पूजा हुई कि ना हुई, जो हुई कि ना हुई बात पूरा मावत रहा जो उपस्थित हमारे पार्टी के नेता हैं, हमारे कुशल संचालक